गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी बज है सुबह के 8:30 और गाइस आज है यार गुरुवार, जो कि है लमकेना का बाजार। और हम लोग तो गाड़ी में बैठ चुके हैं मंडी जाने के लिए, तो फिर चलो गाइस चलते हैं यार मंडी। और गाइस आज का मौसम जो है यार पूरा खराब है, सुबह से यार गरज रहा है और ना एक घुड़घुड़ घुड़घुड़ की आवाज आ रही है पूरा दिन भर आज तो सुबह से। और देखते हैं गाइस आज पानी वगैरह थोड़े गिरते हैं। ये देखो गाइस आज का मौसम पूरा बेईमान है यार, पूरा काला काला हो रखा है पूरा बादल। पानी बस मत गिरे यार, बाकी ना बस ऐसी भले रहे, गिर जाए यार पानी गिरे तो भी अच्छा है, नहीं गिरे तो भी अच्छा है। मौसम तो काफी बढ़िया है, सुहाना है। इस साइड देखो गाइस पूरा बादल काला है, मौसम काला है। और इस साइड देखो हल्का हल्का धूप निकला है, जो कि फिर ढक रहा है फिर दिख रहा है, ऐसा हो रहा है यार। ये देखो गाइस पानी गिरना स्टार्ट हो चुका है यार, गाड़ी के शीशे में देख सकते हो, इक्का दुक्का बूंदा बांदी और बढ़ने को है, बढ़ने भी लगा है पानी। आज भी मंडी पूरा खाली है देख सकते हैं यार, पूरा एक ऑटो यहाँ पर खड़ा हुआ है, एक गाड़ी वहाँ पर, उसके बाद पूरा खाली है जहाँ पर भी गाड़ी खड़ा कर लो। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं तखतपुर सब्जी मंडी सब्जी खरीदने के लिए। और गाइस आज तो मंडी पूरा खाली है, बहुत जल्दी पहुँच गए हैं, देखते गाइस क्या क्या सब्जी लेकर आते हैं। तो गाइस आते साथ हमने ले लिए है सबसे पहले बैगन, ये देख सकते हैं 12 रुपए किलो में 42 किलो बैगन लिया है, देख सकते हैं कबरी वाला क्वालिटी, लेकिन थोड़ा डाउन लग रहा है यार, छोटा छोटा है लेकिन ठीक है यार, 12 रुपए किलो में लिया है तो 20 बेचेंगे शुरू से। तो गाइस ये देख सकते हैं फूल गोभी भी ले लिया है 9 रुपए किलो में, कल का ही रेट है। और गोभी तो काफी मस्त क्वालिटी का है, जो कि 44 किलो है, कल से 2 किलो कम है। ये देखो क्वालिटी देखो भाई गोभी का। तो गाइस ये देख सकते हैं अपना आलू भी आ चुका है, 4 क्रेट 1, 2, 3 और 4, और ये 5 हो गया यार, वो ज्यादा ओवरलोड था ना तो 5 क्रेट में भर दिया है। और 12.5 रुपए किलो खरीदी का है, देख सकते हैं आलू क्वालिटी ये देखो, जो कि ना 120 किलो के आसपास है, मतलब 30-30 किलो है एक एक क्रेट में, तो ना पूरा 5 क्रेट मिला करके 120 किलो है। और ये रहा अपना धनिया मेथी देख सकते हैं, इसको लिया 100 रुपए सैकड़ा में, धनिया को एक जुड़ी इतना इतना है, 1 रुपये जुड़ी मतलब। और यहाँ पर है अपना मेथी, ये पड़ा है 50 पैसा जूरी, ये देख सकते हैं एक एक जूरी है, 100-100 जूरी लिए हैं। और ये रहा अपना अदरक 500 का 5 किलो 100 रुपये किलो में। तो गाइस हमने लौकी पत्ता गोभी और मटर और खरीद लिया है। तो गाइस ये रहा अपना लौकी, ये रहा मटर और ये रहा पत्ता गोभी, पूरा 85 नंग 3 बोरी में, और इसको लिए 7 रुपये नंग में अपने पत्ता गोभी को। और ये रहा अपना लौकी, इसको लिए 8 रुपये नंग में, और 2 बोरी मटर 60 किलो इसके लिए 31 रुपये किलो में देख सकते हैं। और उधर अपना आलू जम चुका है, और इधर अपना धनिया भी है, धनिया को लिए 16 रुपये किलो में, जो कि है 15 किलो देख सकते हैं दानेदार। तो गाइस ये देख सकते हैं यही वाला टमाटर हमने भी लिया है, सेम यही है, ये 250 रुपये क्रेट का लिया है और हमने लिया है 8 क्रेट देख सकते हैं। उधर जम गया है अपना टमाटर जो है, और अपना पत्ता गोभी सभी सब्जियों का भर रहा है यार, जाएंगे घर अब। तो गाइस अभी बज चुका है 11:30 और सभी सब्जियों खरीदी हो चुका है, और गाइस डीजल डलवाएंगे और ना अपना गाड़ी का हार्न बनवा के जाएंगे यार सीधा घर, हार नहीं बज रहा है यार। तो गाइस अभी बज चुका है 1:30 और अभी भी हम लोग तखतपुर में ही यार, अपना गाड़ी का जो ना हार्न और बल्ब है उसको बनवा रहे यार, 1:30 बज चुका है, अभी जा रहे हैं घर 1:30 बजने के बाद। तो गाइस देख सकते हैं यार आज से ना झूला आना चालू हो गया है, बड़ा वाला मेला लगेगा यहीं बेलपान में, तो उस साइड भी एक आ गया है, ये देखो यहाँ पर भी आ गया है, ये मेरे को लगता है रेलगाड़ी वाला है, पूरा चारों तरफ लगता है बेलपान में पूरा सभी जगह, यहाँ पर लगेगा पूरा ग्राउंड में, इधर उधर पूरा आटा सांटा सभी तरफ लगता है, इस साइड भी लगता है हमारा सब्जियों वाला। और ये देखो आज से होटल भी आ गया है, ये वाला होटल भी आ चुका है, ये वाला होटल भी आ चुका है, मतलब आज से बढ़ने लगेगा पूरा। तो गाइस अभी बज चुका है 4:00 और गाइस हम लोग आ चुके हैं लमकीना का बाजार, और आज तो गुरुवार है, और मंडी से आने के बाद यार 2 बजे तो घर ही पहुंचे, तो नहा खा करके थोड़ा सा आराम किया, उसके बाद आ चुके हैं सीधा लमकीना का बाजार। तो गाइस अभी बज चुका है 5 और अपना दुकान जो है लग के रेडी हो चुका है, ये देख सकते हैं गाइस पत्ता गोभी बेच रहा हूँ 10 रुपए नंग, और लौकी तो ही बेच रहा हूँ यार 15 रुपए नंग, लेकिन उसको नहीं बिकेगा 10 कर दूंगा। और ये पालक भाजी कल का बचा हुआ है इसको 10 का 15 जुड़ी दे रहा हूँ, और कल का थोड़ा सा भिंडी बचा है उसको दे रहे 30 रुपए किलो, और टमाटर जो है यार 15 रुपए किलो देख सकते हैं, अपना क्वालिटी काफी मस्त है टमाटर का। और ये रहा अपना गोभी, गोभी दे रहे हैं 20 रुपए किलो, और गाजर है, गाजर 20 रुपए किलो, बैंगन 20 रुपए किलो, टमाटर 15, आलू 20, मटर दे रहे हैं 40 रुपए किलो। अब ये रहा अपना मिर्ची,
मिर्ची दे रहे हैं 10 रुपये पाव। देख सकते हैं काफ़ी मस्त मिर्ची है। अपना धनिया मेथी ये देख सकते हैं 10-10 का 4। और ये गोभी मक्का भाजी है यार, इसी गोभी मक्का ये वाला भाजी है, इसको सभी भाजी को 10 में दे रहा हूँ। देख सकते हैं ये तो कल वाला अपना पालक भाजी है, देख सकते हैं इसको 10 का 15 जुड़ी रख दिया हूँ शुरू से यार, बीके तो ऐसे करके। और देख सकते हैं अभी 5 बज चुका है और बाज़ार तो पूरा खाली है। 10 रुपये नंग पत्ता गोभी छाँट के ले जा, पत्ता गोभी है 10 रुपये नंग। हाँ 30-30 60 3 पत्ता गोभी 2 लौकी। लौकी ले 15 रुपये, 15 रुपये सब 15 देना ले लो, हैं सब 15 रुपये, कोई भी छाँट ले, छोटे बड़े छोटा पतला ले उठा है। पालक भाजी 10 रुपये पूरा 10 के 15 जुड़ी है। एक नंबर बस 10 रुपये नाम करता है। लौकी पत्ता गोभी 10-10 10 रुपये नंग, लौकी पत्ता गोभी 10-20 रुपये है, 20 के 1.5 किलो, 20 के 1.5 किलो टमाटर, लौकी भी 10 है, पत्ता गोभी भी 10 है, एक एक दाना। लौकी बंधा आलू टमाटर रास्ता हो गए, पत्ता गोभी 10 में 10 रुपये नाम लौकी बंधा।
तो गाइस देख सकते हैं मेरे पत्ता गोभी 10 रुपये नंग भी बेच रहा हूँ जो कि आधा हो चुका है, और लौकी भी 10 रुपये नंग बेच रहा हूँ जो कि 10 नंग बचा हुआ है, और टमाटर को भी 10 रुपये किलो करके ख़त्म करते हैं। टमाटर का ज़्यादा फिक्र रहता है जो कि ना डाले रहते हैं तो ज़्यादा गुलगुला हो जाता है, नहीं बिकता है तो ख़राब होने लगता है, इसलिए 10 रुपये कर दिया है और ख़त्म करेंगे 10 करके। वो भी थोड़ा सा ही बचा हुआ है और बाज़ार भी अभी पूरा खाली होने को है यार, देख सकते हैं। और आज दिन भर कंझट ही हो रहा है यार, पूरा दिन भर इस साइड आइसक्रीम वाले ने अपना चोंगा फिट कर रखा है, इस साइड कपड़े वाले ने, पूरा कंझट ही कंझट हो रहा है। लौकी भी है 10 रुपये ना, पत्ते गोभी 10 वेलो 10 वेलो, ओ बड़े बड़े पत्ते गोभी 60 किलो। तो गाइस बाजार तो पूरा खाली हो चुका है, और यार क्या क्या सब्जी बचा है उसको दिखा देता हूँ, फिर बचे हुए सब्जी को उठाएंगे यार। ये देख सकते हैं गाइस पत्ता गोभी आधा ही बस हुआ है, लौकी तो कितना नंग बचा है, 7 नंग लौकी बचा हुआ है, भिंडी तो नहीं बिक पाया है, यहाँ पर जो टमाटर था वो बिक गए हैं, गोभी बचा है थोड़ा सा बचा हुआ है, गाजर और बचा हुआ है बैंगन मटर, वहाँ पर का भी टमाटर बिक गए हैं, आलू भी बिक गए हैं, इतना कुछ है वो अभी भी ग्राहक लगा है, देख सकते हैं आलू टमाटर बस पूरा क्लियर हो पाया है जो डाले थे वो वाला। तो गाइस सभी सामान को उठा लिया है और एक एक क्रेट हुआ है, ये देख सकते हैं एक क्रेट में लौकी है, इसमें पत्ता गोभी बोरी में रख दिया हूँ, इसमें है भिंडी, इसमें है गोभी फूल गोभी, और हम मटर और बैगन एक एक क्रेट। तो हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, तो गाइस कल था यार गुरुवार जो कि था लमकेना का बाजार, और गाइस कल का बाजार तो ठीक ठाक चला यार, सभी सब्जी ना थोड़ा थोड़ा ही बचा, मात्र मेरा पत्ता गोभी बस सबसे ज्यादा बिका यार, और 8 क्रेट टमाटर लेकर गए थे यार, जिसमें का 6 क्रेट ही बेचे, ले दे के 6 क्रेट टमाटर बेचे, और 2 क्रेट टमाटर अभी भी हमारे पास बचा हुआ है, और आलू तो ठीक ठाक चला यार, आलू बिक गया था, मात्र ना थोड़ा सा ही आलू बचा था 10-12 किलो के आसपास, और उतना जो आलू बचा था यार वो अपना प्रॉफिट ही है समझो, और मटर भी बचा था जो कि ना एक एक क्रेट सभी सब्जियां बचा था यार थोड़ा थोड़ा। और गाइस टोटल सब्जियों की बात करते यार, हम लोग ना 7,000 रुपए बस का सब्जी लेकर गए थे, जिसको हमने सेल किया है 7,300 रुपए का, और गाइस अभी भी हमको 300 रुपए प्रॉफिट हो चुका है, और गाइस मेरा पत्ता गोभी बचा हुआ है और 3-4 नंग लौकी बचा हुआ था वो अपना पूरा प्रॉफिट ही है, और सभी सब्जी को मिला के यार बिक गए है ना तो अपना प्रॉफिट बढ़िया होगा। और गाइस जो बुधवार का दिन का सब्जी बच गया था यार वो अपना पूरा प्रॉफिट बचा हुआ था, तो कल मैंने पूछा तो यार मात्र 1500 रुपए का सेल किया था, तो मात्र 1500 रुपए का अपना प्रॉफिट हुआ है यार, ज्यादा नहीं हुआ है, और थोड़ा थोड़ा सब्जी बच भी गया था, उसको बाजार में लेकर गए थे कल बेचने के लिए, और भिंडी भी बचा था यार, भिंडी तो कल बोनी तक नहीं हुआ क्योंकि थोड़ा पुराना हो चुका था ना इसलिए नहीं बिका। तो गाइस आज के वीडियो बस यहीं तक, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना कि आप लोग साइड सब्जियां क्या क्या रेट में बिक रहा है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़ जय श्री राम गाइस।